क्या हुआ, आप वोट क्यों नहीं डाले, आपने वोट क्यों नहीं डाला? दो सौ 73 ईवीएम का राज खुला। पहले ईवीएम हैक, उसके बाद वोटिंग कराया जाता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहले हैकिंग कराया गया, उसके बाद वोटिंग हुआ, तो वोट कहीं और गया। यहाँ पे जमकर मोदी विरोध और मोदी प्रदर्शन निकाल चुके हैं, और ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है, लोग कह रहे हैं कि अब ईवीएम नहीं, अब वॉलेट पेपर चाहिए। जहाँ भी ईवीएम से चुनाव हुआ वहाँ पे मोदी यानी भाजपा जीती है, जहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं करवाया गया वहाँ पे कांग्रेस जीती है। जो देश में ईवीएम बनाया गया वहाँ पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, वॉलेट पेपर से चुनाव होता है। तो फिर हमारे देश में ईवीएम से क्यों चुनाव कराया जाता है, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पे ईवीएम को लेकर के बड़ा बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, कहीं वोट कहीं और मारते हैं, वोट जाता है कहीं और, जिसको लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जमकर कराया जा रहा है, और जिस तरीके से कांग्रेस तबाही कर रही है, ईवीएम को लेकर हटाना चाहती है, उसको लेकर पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाया था चुनाव आयोग जाकर के। अब चुनाव आयोग का फैसला है कि वो कब ईवीएम पर लेकर के आती है ये सवाल, और ईवीएम कब हटाती है, और वॉलेट पेपर से चुनाव कब कराती है, ये सबका दावा आ रहा है। जिस तरीके से दावा आ रहा है कि ईवीएम खराबी करके चुनाव जीता जाता है, और ईवीएम में सबसे ज़्यादा चुनाव विपक्षी का होता है, तो जिस तरीके से वोटिंग विपक्षी को मिलता है तो ईवीएम ही गायब करवा दिया जाता है, और नहीं तो ईवीएम ही खराब करवा दिया जाता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में ये सब आम बात है, ये सब करना बीजेपी करवा देती है ईवीएम चोरी, और नहीं तो वोट कट करवा देती है, इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन जारी हो रहा है, और तरह तरह के यहाँ पे ईवीएम को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, और ईवीएम हटवाने की बात की जा रही है। तो इसको लेकर आपके क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।